गुलबर्गा रिंग रोड पर एक्सीडेंट में अतीक नामी नौजवान के इंतकाल पर अफसोस जताते हुए कांग्रेस यूथ लीडर अजीम शेख ने कहा, रिंग रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होने की सबसे अहम वजह सर्विस रोड की खराब हालत है और ये वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और पिछले 5 साल से बीजेपी का एमपी होने की वजह से रिंग रोड का डेवलपमेंट जानबूझकर पेंडिंग रखा गया था। अजीम शेख ने कहा, जहां तक नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की बात है, ये एक एमएलए होने के नाते 2023 का इलेक्शन जीतने के फौरी बाद जून 2023 से अगस्त 2023 तक लगातार यूटिलिटी ओनिंग एजेंसी एनएचएआई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग कर एमएलए कनीस फातिमा ने कही एक अहम फैसले लिए हैं। अजीम शेख ने कहा, बीजेपी एमपी उमेश यादव ने अपने पिछले 5 सालों में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। अभी इस बार एमपी कांग्रेस के हैं और एमएलए और इंचार्ज मिनिस्टर भी कांग्रेस के हैं, तो बहुत जल्द सर्विस रोड का काम शुरू किया जाएगा जिससे रिंग रोड पर ट्रैफिक की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। और इसके अलावा रिंग रोड की हालात पर अजीम शेख ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। 2 दिन पहले 31 अगस्त को रिंग रोड पर वेंटेज फंक्शन हॉल के पास जो एक्सीडेंट हुआ मोहम्मद अतीक साहब का, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक्य हमारे सामने आया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो हूं कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और इनके फैमिली को सबर दे और हिम्मत दे। पिछले 6-7 सालों में इस रिंग रोड पर 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हमारे सामने जो सर्विस रोड का जो मुद्दा था, सर्विस रोड बनने के लिए क्या परेशानियां आई, क्यों सर्विस रोड नहीं बन रही, इसके जिम्मेदार कौन है, वो आज आप लोगों के सामने मैं कहने के लिए आया हूं। आप लोग जानते हैं पिछले यहां के एमपी बीजेपी के उमेश यादव थे, उन्होंने अपने 5 साल में कितना डेवलपमेंट किया ये आप जानते हैं। आईन इलेक्शन के वक्त उन्होंने एक खुलाड़ी मारी सर्विस रोड पर और चले गए, बस उतना ही वो काम रुक गया है। जबकि सर्विस रोड का इतना अहम मसला था, जून 2022 को 46 करोड़ का बजट सर्विस रोड के लिए आया, उसके बाद भी यहां की सर्विस रोड शुरू नहीं हुई। उसकी वजह यही है क्योंकि नॉर्थ में कांग्रेस के एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी थे और सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, यहां के एमपी बीजेपी के थे, वहीं साउथ में बीजेपी के एमएलए रहने के वजह से वहां पर काम रोड का सर्विस रोड का होता हुआ हमें नजर आता है। क्या वजह है कि नॉर्थ में ही सर्विस रोड का काम रोका गया, तो यहां पर जो कांग्रेस की जो सीट हमने बचा के रखी है उसको कहीं ना कहीं छीनने की साजिश के लिए यहां के सर्विस रोड का काम रुकाया गया था। जब 2023 का एमएलए इलेक्शन हुआ, 2023 का एमएलए इलेक्शन एमएलए कनीस फातिमा जी ने जीता, तो उसके फौरन बाद 28 जून 2023 से लेकर 10 अगस्त 2023 तक कई सारे मीटिंग एमएलए कनीस फातिमा जी सर्विस रोड के लिए किए हैं, जिसमें यूटिलिटी ओनिंग एजेंसीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वाटर सप्लाई एजेंसीज, टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज, इनके जो इश्यू थे उन इश्यू को सॉल्व करने के लिए उनसे मीटिंग ली, उनसे बात की, साथ ही साथ डीसी मैडम से बात की सर्विस रोड के लिए, और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तमाम उनके ऑफिशियल से मीटिंग ली और जल्द से जल्द सर्विस रोड का काम शुरू करने के लिए कहा गया। जबकि 2022 का जो बजट था 46 करोड़ का, उसको बढ़ाकर 60 करोड़ रुपीस उस बजट को किया गया ताकि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू हो। 31 तारीख को एक्सीडेंट के बाद हमारी एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी से बात हुई, फराजुल इस्लाम साहब से बात हुई, ये सर्विस रोड का जो टेंडर जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला है उससे भी एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी टच में है, उससे भी बातचीत हो रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द सर्विस रोड का काम शुरू होगा। आप देखेंगे हमारे यहाँ के एमपी आरके साहब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रेम खड़गे साहब, एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी, तमाम लोग मिलकर बहुत जल्द यहाँ की सर्विस रोड आप लोग बनते हुए देखेंगे। हमारे सामने जो बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे आने वाले वक्त में, वो एक्सीडेंट होना खत्म हो जाएगा और हाल ही में जो हमारे सामने जो एक्सीडेंट हुए हैं उनकी फैमिलीज को हम कंपनसेशन दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके बीवी बच्चों को एक सहारा मिले। और आखिर में इतना कहना चाहता हूं कि एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी की नेतृत्व में गुलबर्गा शहर में बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसी तरह से आने वाले वक्त में भी काम होगा। बहुत सारे इश्यू हमारे सामने आए हैं, इंशाल्लाह ये 2-3 महीनों में आप देखेंगे बहुत सारे रोड का काम शुरू होने वाला है। शुक्रिया, जजाकल्ला खैर।